नमस्कार, द साइन नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो पतिव्रता नारी के प्रति समर्पित है। ऐसी महिलाओं के सामने भगवान भी हाथ जोड़ देते हैं। एक पत्नी अपने पति की अर्धांगनी होती है, वामंगी होती है, अर्थात पति का वामा भाग होती है। एक पतिव्रता पत्नी अपने पति की सबसे बड़ी सुरक्षा है। तुलसी की कहानी तो आप सभी जानते ही होंगे। उसकी पतिव्रता के कारण भगवान नारायण भी जलंधर, जो एक असुर था, उसका वध करने के लिए कतरा रहे थे। इसी कारण से भगवान विष्णु ने तुलसी की पतिव्रता को तोड़ने के लिए उनके बिस्तर में जाके सोए थे। सावित्री तो अपनी पतिव्रता के कारण अपने पति के प्राण को यमराज से भी वापस ले आई थी। एक पतिव्रता पत्नी के हाथों से पिटाई खाने के कारण भगवान श्री कृष्ण को नरक में नहीं जाना पड़ा था। शिव और पार्वती का जब विवाह हो गया तो पार्वती की माता मैनावती ने भी माता पार्वती को पतिव्रता धर्म का पालन करने का आदेश दिया था। अनुसुईया के पतिव्रता धर्म के पालन करने के कारण ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनके गर्भ से जन्म लेने का निश्चय किया था और उनके अस्तन से दूध भी पिया था। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप किसी पतिव्रता पत्नी के दर्शन पा लेते हैं तो वह साक्षात ईश्वर के दर्शन के समान माना जाता है। ये तो पतिव्रता व्रत की शक्तियाँ थी। अभी हम आपको एक पतिव्रता पत्नी के लक्षण बताएंगे। शास्त्रों में यह बताया गया है कि एक पतिव्रता पत्नी की परीक्षा तब होती है जब उसके पति की परिस्थिति बिगड़ जाती है, जब पति निर्धन हो जाता है या फिर उसका शरीर साथ नहीं देता है, तब पत्नी ही उसका एकमात्र सहारा होती है। एक पतिव्रता पत्नी उस काल में भी संपूर्ण सम्मान और मन लगाकर अपने पति की सेवा करती है। एक पत्नी अपने पति के लिए आशाओं की किरण होती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि एक पत्नी को हमेशा अपने पति के आदेशों का सम्मान करना चाहिए और उनके आज्ञा को मानना चाहिए। जो पत्नी अपने पति का सम्मान नहीं करती तथा पति की स्वीकृति के बिना ही तपस्या करती है या कोई पर्व त्योहार करती है, वह सभी तपस्याएं और उपासनाएं व्यर्थ साबित हो जाती है। जिस स्त्री पर अपने पति का अनुराग नहीं होता, वह स्त्री कितनी भी सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो, गुणवान ही क्यों ना हो, वह सब कुछ व्यर्थ ही होता है। एक पतिव्रता नारी कभी स्वप्न में भी किसी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचती है, वह तो सदैव ही अपने पति को ही ध्यान करती है। एक पतिव्रता नारी कभी भी अपने पति से पहले भोजन ग्रहण नहीं करती है। अपने पति की भक्ति और सेवा ही उसका सर्वप्रथम धर्म होता है। ध्यान रहे, ईश्वर भी एक पतिव्रता स्त्री की कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन सभी पतिव्रता स्त्रियों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आशा है कि ये वीडियो अध्यात्म से प्रेम करने वाले लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप इसी प्रकार के और भी ज्ञान वर्धक और मनोरंजक वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, द साइन नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो पतिव्रता नारी के प्रति समर्पित है। ऐसी महिलाओं के सामने भगवान भी हाथ जोड़ देते हैं। एक पत्नी अपने पति की अर्धांगनी होती है, वामंगी होती है, अर्थात पति का वामा भाग होती है।